सुंदरवन के जंगलों में एक मीना नाम की चिड़िया, एक हरी तोती और सफ़ेद कबूतरी के साथ उड़ती हुई जा रही थी। वह उनसे बातें कर रही थी। मीना बोलती है, गोरी कबूतरी, हमारे घोंसले पक्के नहीं हैं, वे बहुत पुराने हो चुके हैं। बरसात के कारण हमारे घोंसले टूट जाएंगे, हमें उन्हें पक्का बना लेना चाहिए। यदि पक्के होंगे तो हम भीगेंगे नहीं। सही कहती हूँ मीना चिड़िया, हमें अपने घोंसलों को पक्का कर लेना चाहिए। चलो आज जंगल जाकर के थोड़ी लकड़ियाँ ले आते हैं। फिर गौरी चिड़िया, मीना और हरी तोता वहाँ से उड़ जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक कोको चिड़िया मिलती है जो बहुत ही आलसी थी। अपने घोंसले को में ही पड़ी रहती है, वह कुछ काम नहीं करती है। तभी मीना चिड़िया उससे बोलती है, अरे कोको, चलो जंगल जाकर के कुछ लकड़ियाँ ले आए, फिर बरसात भी आने वाली है और तुम्हारा घोंसला तो बहुत पुराना है, लकड़ी ला करके इसे नया बना लो। मीना चिड़िया, मुझे सोने दो, ज्यादा ना बोलो, नहीं तो तुम्हारी चोंच तोड़ डालूंगी। मैं अपने आप अपना घोंसला बना लूंगी, जाओ और मुझे सोने दो। आ जाती हूँ मेरा खून जलाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए। और हाँ, जब बरसात आएगी तो मैं अपना अपना आप देख लूंगी, तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आ जाती हूँ चू चू करने। फिर हरी तोता और गौरी कबूतरी और मीना अपना घोंसला पक्का बना लेती हैं। वे बरसात आने का इंतजार कर रही थी कि तभी बारिश होने लगती है। तभी कुकू चिड़िया देखती है कि बारिश बहुत तेज होने लगी है। बोलती है, राम, ये तो बहुत तेज बारिश आ गई है और मेरा तो घोंसला भी टूट गया, मैं कहाँ जाऊंगी। वह उड़ती हुई मीना चिड़िया के घर पर पहुंचती है, जहां पर कबूतरी और तोती मजा ले रहे थे बारिश का। वह बाहर से दरवाजा खटखटाती है और बोलती है, मीना बहन, जरा दरवाजा खोलो तो मुझे अंदर ले लो, बारिश में मैं मर जाऊंगी। जब वह दरवाजा खटखटाती है तो मीना बोलती है कि कुकु, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि बरसात आएगी, तुम मेरी बात नहीं मानी। और वह उसको अपने घर के अंदर ले लेती है। फिर उसके बाद वह चारों बहुत मजा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर।